Hello guys, you welcome in our channel Elegant Design Solution and the New Imaginer. Okay, तो आज हम बात करेंगे विंड लोड एनालिसिस. तो स्टैट प्रो में विंड लोड एनालिसिस की बात करेंगे हम. तो ये हमारे पास स्टैट प्रो है. ओके, तो ये कोई हमारे पास ड्राइंग है. अभी यहाँ पे स्काई लाइक स्काई स्क्रैपर 15 फ्लोर हैं इसमें हमारे पास. तो यहाँ पे हमारे पास जैसे डायमेंशन दिया है एक्स की डायरेक्शन में, एक्स और वाई में ये हमारे पास एलिवेशन है. एक्स की डायरेक्शन में 4, 3, 5, 3, 4. ओके, और वाई में हाइट दिया 52.5. नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास 2 to 4. तो ये जो हमारे पास स्टेप्स हैं ये हमारे पास 15 स्टेप हैं. ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी यहाँ पे विंड लोड एनालिसिस की. स्टैट प्रो में विंड लोड एनालिसिस कैसे करते हैं. ओके, तो यहाँ पे आप कोई भी फाइल ले रहे हो. ओके, यूनिट हमारे मीटर में है, फिनिश. ओके, तो यहाँ से हम क्रिएट कर रहे हैं डायरेक्ट. इसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने एडिट कर लिया ऐसी ग्रिड को. तो मेरे पास जो यहाँ पे स्टेप्स हैं, अगर मैं एक्स की डायरेक्शन में बात करूँ, 4, 3, 5, 3, 4 मीन्स 19. ओके, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इनको 19 कर देता हूँ, 19. ओके, तो यहाँ से हम चेक कर सकते 4, 3, 7, 12, 15 एंड 19. क्लोज. ओके, सेम हम इसको रिपीट कर सकते हैं, ट्रांसलेशनल रिपीट जेड की डायरेक्शन में. नंबर ऑफ स्टेप्स 5, स्पेसिंग इनकी 4. ओके, तो यहाँ पे मैन्युअली चेंज कर रहे हैं 4, 3, 5 एंड 3, 4. ओके, लिंक कर दो. ओके, तो ये हमारे पास प्लान रेडी हो गया है. थर्ड डायरेक्शन है हमारे पास वाई की. ट्रांसलेशन रिपीट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास 15 एंड स्पेसिंग डिवाइडेड बाई 3. 15 स्टेप्स हैं हमारे पास, 52.5 मीन्स 3.5. लिंक. ओके, तो ये हमारे पास बिल्डिंग तैयार हो गई है. कट. ओके, फ्रंट में जाएंगे हम. तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे ये ओपनिंग है 2, 4, 6 के बाद हमारे पास ओपनिंग है. तो यहाँ पे सेम 2, 4, 6. ओके, साइड व्यू से भी सेम कर लेते हैं मॉडल को. ओके, तो आप चेक करोगे ये मॉडल हमारे पास रेडी हो गया है. ओके, तो ये हमारे पास मॉडलिंग, किसी भी बिल्डिंग की मॉडलिंग हो गई है. नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास सपोर्ट्स. सपोर्ट्स हम क्रिएट करते हैं फिक्स सपोर्ट्स कंक्रीट के केस में. ओके, असाइन टू. नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं, रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी मुझे गिवन नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से 0.45 और 0.3 की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ. ये आप चेंज कर सकते हो. असाइन टू यू, यस. ओके, तो यहाँ से आप चेक करोगे हमारी बिल्डिंग कुछ ऐसे बन गई है, स्काई स्क्रिप्ट. ओके, तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं लोड एंड डेफिनेशंस. तो यहाँ पे हम पहले सबसे पहले चेक करेंगे, डेफिनेशन देंगे हम विंड की डेफिनेशन ऐड. ओके, यहाँ पे टाइप वन ऐड, क्लोज. ओके, जो टाइप वन ऐड हुआ है इसको ऐड करेंगे हम. तो यहाँ पे कस्टम पे रखे कैलकुलेट एज पर ASCE. तो मेरे पास यहाँ पे अभी विंड के लिए डाटा नहीं है, तो मैं इसी को डिफ़ॉल्ट ऐड कर लूँगा. ओके, तो ये डाटा मेरे पास फिल हो गया यहाँ पे ऐड. तो यहाँ पे फैक्टर और सेफ्टी फैक्टर आ जाएगा, एक्सपोजर फैक्टर आ जाएगा आपका ऐड वन. ओके, तो इन पर एक बार क्लिक कर लीजिए, असाइन टू व्यू कर लो एक्सपोजर फैक्टर को. ओके, इसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पे हमारे पास. तो यहाँ पे एक हमें दो लोड केसेस बनेंगे हमारे पास. फर्स्ट आ गया हमारे पास डेड लोड एंड अनदर वन इज विंड लोड. तो ये हमारे पास दो लोड केसेस आ गए. तो जो फर्स्ट लोड केस है डेड लोड हमारे पास, डेड लोड में हम क्या करेंगे यहाँ पे सल्फेट का फैक्टर आपको पता है 1.5. अगर आप 1 भी फिल कर रहे तो तब भी कोई इशू नहीं है, एरर नहीं देता है सॉफ्टवेयर. ओके, ऐसा इंटरव्यू, यस. और यहाँ से हमारे पास विंड लोड है, विंड लोड ऐप अप्लाई करोगे जब तक आप डेफिनेशन नहीं दोगे. अगर आपने विंड की डेफिनेशन नहीं दी होगी तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं दिखेगी, तो ये लॉक होगा यहाँ से. ओके, तो सबसे पहले विंड की डेफिनेशन हमने अप्लाई कर दिया अभी. ओके, एक्स की डायरेक्शन से ऐड फैक्टर वन एंड जेड की डायरेक्शन से ऐड. इसके बाद क्या करना है, आपने वैल्यू को नेगेटिव कर देना है -1. तो आप एक्स और जेड की डायरेक्शन से इसको अप्लाई कर सकते हो, जेड की डायरेक्शन से अप्लाई. तो आप चेक करोगे, ये देखो यहाँ से हमारे पास एक्स की डायरेक्शन, जेड की डायरेक्शन, एक्स नेगेटिव जेड नेगेटिव अप्लाई हो गया ऐड.
ऑटो लोड कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस हम ऐड कराते हैं, डिन कोड, जनरेट लोड, ऐड क्लोज, और एनालिसिस प्रिंट कमांड, सेलेक्ट ऑल, ऐड क्लोज, एनालाइज करेंगे हम इसको, रन, सेव। ओके, तो ये हमारे पास जीरो एरर, डन। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट्स आ गए हैं। ओके, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे वेट ऑफ स्ट्रक्चर कितना है। तो हमारे पास जो एक्चुअल वेट ऑफ स्ट्रक्चर है वो है 16317 किलो न्यूटन, 0.556 किलो न्यूटन। ओके, तो इसके बाद आप पोस्ट प्रोसेसिंग में जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से अगर आप एनिमेशंस वगैरह चेक करना चाहते हैं या बीम के स्ट्रेसेस वगैरह ये जो भी हैं तो आप वो चेक कर सकते हैं। किसी भी एक बीम पे क्लिक करने, ये कॉलम पे क्लिक कर लो तो उसके जो स्ट्रेसेस हैं वो आपको दिखा देगा। ये कुछ इस तरह से आपको स्ट्रेसेस दिखा रहा है। ओके, एनिमेशंस पे जाएंगे तो सेक्शन डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करोगे, ओके करोगे तो यहाँ पर आपको डिफ्लेक्शन दिख जाएगी। यहाँ पे है माइनर माइनर सी। अगर आप चेंज करना चाहते हो यहाँ से स्केल चेंज कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट स्केल जो है आपके पास 10 कर सकते हो उसको, अप्लाई, ओके, और यहाँ से वापस अप्लाई कर दो इसको। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख जाएगा क्लियरली। ओके, इसके बाद हम ऐड करेंगे डिज़ाइन करेंगे हम कंक्रीट डिज़ाइन। तो कोड यहाँ पे IS456 पैरामीटर सेलेक्ट कर लेंगे, पहले सारे पैरामीटर इधर ले आओ। ओके, इसके बाद FC एंड FY मेन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड रिइंफोर्समेंट की यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ रिइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे जो FC की वैल्यू है तो वो हमारे पास 25 ग्रेड हम यूज़ कर रहे हैं, एंड यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेन रिइंफोर्समेंट आपके पास आ जाएगी 415000 एट क्लोज। ओके, कमांड यहाँ से डिज़ाइन बीम ऐड, कॉलम भी ऐड कर लेंगे, टेक ऑफ ऐड कर लेंगे, स्लैब एलिमेंट अभी हमारे पास नहीं है तो यहाँ से हम ऐसा इंटरव्यू कर रहे हैं इनको। ओके, बीम के केस में बीम सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट बीम पहले टू एक्स एंड सेलेक्ट बीम पहले टू जेड डायरेक्शन, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, यस, कॉलम सेलेक्ट बीम पहले टू वाई, असाइन टू सेलेक्टेड, यस। तो हम यहाँ से एनालिसिस प्रिंट कमांड अप्लाई करके ऐड क्लोज एंड एनालाइज करेंगे, रन सेव। ओके, तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे चेक करेंगे अभी आउटपुट। तो रिजल्ट्स में हम देखेंगे कंक्रीट डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो ये आपके पास कंक्रीट डिज़ाइन, ओके, तो ये सारी चीज़ आप चेक कर सकते हो, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, क्लियर कवर, यहाँ पे 0.3 और 0.45 की प्रॉपर्टी है, 450 पे 300 भी, 300 पे 450 की। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे टोटल, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना है, 692.5 क्यूबिक मीटर। ओके, वेट ऑफ स्टील हमारे पास इतना है एंड एक्चुअल वेट ऑफ स्ट्रक्चर वो यहाँ पे, तो ये चीज़ हम इसमें चेक करते हैं। ओके, ये कंक्रीट डिज़ाइन भी हो गया। तो ये हमारे पास विंड लोड था। ओके गाइस, थैंक यू।